CN24। रायगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर मोबाइल एप्लीकेशन NSTEP के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि NSTEP ऐप की शुरुआत से अब जिला न्यायालय सहित आवेदक और अनावेदक का भी अमूल्य समय बचेगा। उन्होंने आगे बताया कि यह ऐप न्यायालय के कार्यों में गति लाने में सहायक होगा, जिसकी वजह से परिवाद की सुनवाई में भी गति आएगी और आवेदकों को जल्द न्याय मिल पाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस वार्ता ली, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन NSTEP की विस्तृत जानकारी मीडिया कर्मियों को दी गई। ई कोर्ट के तर्ज में रायगढ़ न्यायालय को भी डिजिटल करने के उद्देश्य से शुरू हुई NSTEP ऐप की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायालय में की गई। CGM रमाशंकर प्रसाद द्वारा सभी आदेशिका वाहक को एक एक स्मार्ट मोबाइल का वितरण किया गया, जिसके माध्यम से आदेशिका वाहक अपना कार्य डिजिटल तकनीक से करने की शुरुआत करेंगे। CGM रायगढ़ ने बताया कि पहले कोर्ट द्वारा किसी वारंट और सम्मन जारी करने के बाद उसकी तामेली और संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने में 15 दिन से 2 महीने तक का समय लग जाता था, जिस वजह से कोर्ट की सुनवाई प्रभावित होती थी और काफी लंबा समय खर्च होता था। लगातार पेशी की तारीखें आगे बढ़ती रहती थी, जिससे आवेदक व अनावेदक को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परंतु अब यह सब नहीं होगा। NSTEP ऐप के साथ मिल स्मार्ट मोबाइल फोन के जरिए आदेशिका वाहक संबंधित व्यक्ति के पास पहुँचेंगे और उस ऐप में उस व्यक्ति के अंगूठे के निशान व फोटो लेकर ऐप के माध्यम से फीड करेंगे। ऐसे में आवेदक व अनावेदक के संबंध या वारंट या नोटिस नहीं मिलने के बहाने भी खत्म हो जाएंगे। आदेशिका वाहक को ऐप के माध्यम से उस स्थान की लोकेशन भी भेजनी होगी जहां वह सम्मन लेकर गया था। इस तरह यह ऐप न्यायालय के कार्यों में गति लाने में सहायक होगा, जिसकी वजह से परिवाद की सुनवाई में भी गति आएगी और आवेदकों को जल्द न्याय मिल पाएगा। सीख जाएंगे तो हम बहुत बहुत सहूलत हो जाएगा और फटाफट काम भी हो जाएगा और इसके लिए हम जल्दी आ जाएंगे यहाँ। कुछ वारंट जब आप लोग लेके जाते थे, कुछ लोग थे जो सामने आते नहीं थे, वारंट मिल जाता था उनको, बाद में दिक्कत होती थी, उससे भी बचत हो जाएगी। उनकी फोटो खींच के डालना है। हाँ, वो तो फोटो खींच के डालना है। अगर फोटो खींचने देंगे तो डालेंगे, और नहीं देंगे तो फिर व्हाट्सअप कर देंगे साहब के पास, जैसे ऐसे बात चल रहा है करके। यहाँ कितनी आसानी हो जाएगी, कितना बहुत सारा आसानी हो जाएगा। और इसमें क्या है कि हम लोग को बढ़िया है, अगर कहने का मतलब है साहब। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24। ऐसे ही और खबरों के